नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी का हथौड़ा एक बार फिर मदरसों पर चल गया है। आपको बता दें कि अब से किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा, यानी कि सरकारी रूप से किसी भी मदरसे को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अब वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर की स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया गया। दरअसल प्रदेश सरकार ने यह निर्णय प्रदेश की पिछली समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए फैसले को पलटते हुए लिया है। सपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2003 तक की मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय हुआ था। उसके बाद 100 मदरसे अनुदान सूची पर लिए भी गए थे, बाकी बचे 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने से पहले ही सरकार में अंतर कलह शुरू हो गई थी। उसके बाद यह 46 मदरसे अनुदान पर नहीं लिए जा सके। इनमें से कुछ मदरसों ने अदालत की शरण ले ली। इस वक्त प्रदेश के कुल 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के तहत इन मदरसों के शिक्षकों कर्मियों का भुगतान किया जाता है, लेकिन अब से किसी भी मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा, यानी कि सरकारी रूप से कोई आर्थिक मदद इन मदरसों को नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी अभी हाल ही में मदरसों को लेकर सीएम योगी ने एक और जबरदस्त फैसला लिया था, जिसके मुताबिक कि पढ़ाई से पहले हर मदरसे में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि मदरसों में ज़्यादातर जो मौलवी शिक्षा देते थे उसमें उन्हें भारत माता की जय बोलने में शर्म आती थी, वंदे मातरम गाने में शर्म आती थी, भारत का होकर भारत का राष्ट्रगान गाने तक में शर्म आती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मदरसे के जितने भी मौलवी हैं, जितने भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ाई से पहले सबसे पहले राष्ट्रगान गाएगा, यानी कि देशभक्ति की भावना जो है, जो कि मदरसों में काफ़ी अरसों से बुझी हुई थी, वो देशभक्ति की भावना अब मदरसों में जगाई जाएगी। यानी कि हर हाल में राष्ट्रगान पढ़ाई से पहले गाना होगा। अगर कोई भी मदरसा इस पर आपत्ति जताता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ के साथ इस खबर को और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।